ये कहता है एन सेट इक्वल रेजिस्टेंस। देखो अब हमारे पास एन रेजिस्टेंस है बच्चों, हर एन रेजिस्टेंस है और इक्वल है, हर एक की वैल्यू आर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू बैटरी ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर। समझने की कोशिश करना कि ये क्या कर रहा है, जैसा जैसा कर रहा वैसा वैसा करते हैं। एन रेजिस्टेंस है, हर एक आर है, कनेक्टेड टू सीरीज बैटरी ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, करेंट ड्रॉन आई है। चलो पहले पहला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में एन रेजिस्टेंस है, चलो बना लेते हैं एन रेजिस्टेंस डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 एन है, ठीक है, एन रेजिस्टेंस है और इसको मैंने कनेक्ट किया बैटरी ईएमएफ ई की और उसकी भी रेजिस्टेंस आर ही है, ठीक है, इस ए आर है डॉट 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 एन है, एन टाइम्स है, ठीक है, एन टाइम्स हमने कनेक्ट कर दिया, बराबर है बच्चों। और ये ए भी आर है और ये प्लस माइनस ई एम एफ ई है और यहाँ से जो करंट जा रही है वो आई, ठीक है। पलो दूसरे केस में क्या कहता है कि एन रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू पैरेलल सेम बैटरी, यही बैटरी से पैरेलल में कनेक्ट की है, चलो पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तो ये रहा प्यारे बच्चों पैरेलल में डॉट 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 डॉट, अब ये यहाँ से सेम बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने और प्लस माइनस, और सेम बैटरी जिसका रेजिस्टेंस आर था और प्लस माइनस ई एम एफ ई और ये आर 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 और डॉट 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 नीचे एन टाइम्स, जितने रेजिस्टेंस है 20 है तो 20 बार 30 है तो 30 बार 40 है तो 40 बार एन टाइम, ये दोनों सर्किट है। अब यहाँ से जो करंट जा रही है वो कह रहा है कि 10 आई है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 आई है। तो पार्ट टू, तो हम लोगों को क्या करना है, ये पार्ट टू में ये करेंट 10 आई है बच्चों, तो एन की वैल्यू निकालना है। तो एन की वैल्यू अगर मैं कैसे निकालूं, चलो तो पहले वाले में करंट निकाल लेते हैं, इसमें बोलो करंट आई इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज यहाँ टोटल ई लग गया और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, इन सबको जोड़ोगे इन सबको जोड़ोगे तो एन आर हो गया और एन आर हो गया और एन आर और आर सीरीज में, तो एन आर और प्लस आर उसके साथ सीरीज में आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना। यहाँ पे देखो ये सारे पैरेलल में हैं, तो सारे अगर पैरेलल में इक्वल होते हैं तो रेजिस्टेंस कितना होता है, बोलो आर एन टाइम्स कम हो जाता है ये। अब ये जब सारे जुड़ गए, ये सारे मिल गए बच्चों, मिलने के बाद ये उसके साथ सीरीज में आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो करंट आई बचे बनेगा 10 आई जो करंट आई v = i = v / r 10 आई और ई एम एफ ई और नेट रेजिस्टेंस ये दोनों एन आर अपन एन प्लस आर उसके साथ सीरीज में, तो ये रेजिस्टेंस, तो कुल मिला के आ जाएगा एन ई एम एफ ई और ये आ जाएगा आर प्लस एन आर, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ये 10 आई, दैट इज इक्वेशन नंबर टू। अब एक काम करो, पहले वाले में से दूसरे वाले को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो पहले वाले अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो फाइनली जो मुझे मिलेगा वही सोल्यूशन होगा। तो आई अपान 10 आई मैं डिवाइड कर दूँ ई एम एफ ई अपान एन आर प्लस आर, और अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा आर प्लस एन आर और डिवाइडेड बाई एन ई, तो ये इसको ख़त्म कर दिया, ई ने ई को खा गया, तो ये तो बचा क्या, एन की वैल्यू जो है एन की वैल्यू आ जाएगी 10, मतलब कुल मिला के हमारे पास 10 रेजिस्टेंस रहे होंगे, तो ये सिचुएशन ऐसा हुआ होगा, ऐसा सिचुएशन बना होगा कि ये 10 होंगे और ये 10 होंगे, तब जाके इसमें अगर करंट आई फ्लो होगी तो इसका 10 टाइम्स इसमें फ्लो होगा, तो कुल मिला के हमारे पास 10 रेजिस्टेंस कनेक्ट हुए होंगे, तो ए ऑप्शन इसका सही है। चलो नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों,